कंपनी के कुछ नियम कायदे कानून हैं। मैं उसे कमर्शियली यूज नहीं कर सकता, पर आप उसे पर्सनल यूज कर सकते हैं। सभी ऐसे चीजें हैं, सभी चीजें एक साथ होकर एक पुख्ता चीजें लाती हैं। इसलिए एक चीज को समझ रहे हैं तो दूसरों को भी समझना जरूरी होता है। पर हम यहाँ क्या समय बचा रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप सैटेलाइट की मदद से आप वेदर कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है कि आज पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो कहाँ है, उसे चेक करने के लिए आप एक कमाल के वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ऐसी कुछ भी वेबसाइट है, नहीं, ट्रस्टेड सोर्स है। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली सैटेलाइट में दिखाना चाहता था जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, वो सभी चीजें। कंपनी के कुछ नियम कायदे कानून हैं, मैं उसे कमर्शियली यूज नहीं कर सकता, पर आप उसे पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो आप उस सैटेलाइट मैप को कैसे पढ़ सकेंगे मौसम को चेक करने के लिए? देखिए, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं इंडिया के मैप में अलग अलग, देखिए यहाँ पर कलर है, हर कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, याद रखिएगा। इसे चेंज नहीं कर सकते, जो यहाँ कलर होगा वो यहाँ भी होगा। इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स लेजेंड। जैसे कि देखिए, इसमें जो सबसे डार्क है वो क्या बता रहे हैं, अबव 27 अबव क्या है, सेल्सियस। तो देखिए, जहां जहां होता है वहां अबव डार्क में दिया है ना, और लाइट में, तो ये देखिए, और इससे हल्का वैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन में होगा, जो ज्यादा डार्क होगा, रेड होगा, वो होगा एकदम डेंस और काला बादल। जो बादल है वो कितना ज्यादा घना है वो इम्पोर्टेंट करता है, वो बरसेगा। देखिए, इसमें बताना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, अलग क्षेत्र में अलग बारिश हो सकता है, वो कभी अचानक से जहां से उठा है वहीं गिर सकता है, या उठकर वो कहीं और जाकर बरस सकता है। उसमें क्या क्या अफेक्ट करते हैं हम देखते हैं, जरा देखिए क्या क्या अफेक्ट करती हैं उसे। लोकल विंड, ओशियंस करंट, देखिए जो समंदर से, ओशन करंट यानी क्या होता है, समंदर में नदियों का बहना, जी हाँ, ओशन करंट। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग अफेक्ट करती हैं। और अपन कैसे चेक करेंगे, आप अपने ना जिस एरिया में रहते हैं आप उसका नाम लिखिएगा और सैटेलाइट साथ में जोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने, मेरा कैपिटल है रायपुर, इस उसमें पूरी डिटेल्स देख सकते हैं वेदर्स की। तो अपन को क्या देखना है, सीधा जो बादल कहाँ हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए अभी आसपास में क्लाउड्स है, देखिए अभी बहुत ज़्यादा हैवी क्लाउड्स है। छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ, और यहाँ देखिए क्लाउड डेंसिटी, इसमें आप देख सकते हैं डेंसिटी, जो बादल जो है वो कितना घना है, कितना उसमें कितना पानी है। और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप अपने ही राज्य का देख सकते, नहीं, वो ऐसे जूम आउट कीजिए ना, आप जूम आउट तो कीजिए, पूरा आप वर्ल्ड का देख सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ टॉर्नेडो आया, यहाँ टॉर्नेडो है, वहाँ यहाँ साइक्लोन है, ये सब आप इसी से देख सकते हैं। मैं ऐसे ही देखता हूँ कि आप लाइव कैसे चेक कर सकते हैं डायरेक्शन की मदद से, कंपास, सैटेलाइट व्यू और रियल लाइफ डायरेक्शन की मदद से। हवा की जो डायरेक्शन है, देखिए कितना हवा जो इतना स्पीड है कि बादल को बहुत जल्दी खिसका गया। ये जो है रेड, और मतलब जो हाई डेंसिटी है वो है ये, तो देखिए कितने तेजी से उसे हटा दिया उसने। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, विंड वेलोसिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वेदर फोरकास्ट में, मेट्रोलॉजिस्ट में। देखिए ये जो है अभी साउथ डायरेक्शन है, और मैं आपको इंडिया के सदर्न डायरेक्शन का मैप अभी दिखाता हूँ, वो जो क्लाउड है ना वो कैसे दिख रहा है सैटेलाइट व्यू में। पर थोड़ा समय पीछे होगा तो बादल भी थोड़ा सा पीछे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बादल जो है वो बहुत ही तेजी से आ रहा है, इधर क्या है साउथ, इधर क्या है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और इस तरफ है वेस्ट। तो ये देखिए, ये है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, अभी बादल जो है लगभग इसी तरह। इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इसी से संबंधित होगी।